नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे पीलिया रोग मीन्स जॉन्डिस के लिए योग एवं आयुर्वेदिक उपचार, कैसे हम अपने जॉन्डिस रोग को ठीक करें। तो आइए सीखते हैं। पहले हम आराम से सुखपूर्वक ऐसे बैठ जाएं। योग में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है जिनको हम करेंगे तो निश्चित हमारा पीलिया रोग, हमारा जॉन्डिस ठीक होगा। तो क्या करना है, पहले हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में आप आराम से बैठ जाएं सुखपूर्वक। ये होता है सुखासन। एक पैर को आप ऊपर रखेंगे तो सिद्धासन कहलाता है और दूसरे को आप ऊपर रखेंगे तो पद्मासन। इन तीनों में से कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अब इसके पश्चात आपने क्या करना है, जो पहला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करेंगे, दोनों हाथ हमारे इस प्रकार ध्यान मुद्रा में या फिर वायु मुद्रा में या पान वायु मुद्रा में, जो भी आपको उचित लगे आप इस प्रकार बैठें और लंबी गहरी श्वास को भरें छोड़ें। जब हम सांस को भरेंगे तो अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है, ऊपर की ओर खींचना है फेफड़ों को। आंखों को बंद करके करते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है प्राणायाम को। तो ये प्राणायाम को आप लगभग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट करें। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भरपूर होगा तो हमारे जितनी बीमारियां हैं हमारे शरीर में धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, क्योंकि जो पुराने सेल्स होते हैं वो रिजेनरेट होने लगते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं वो रिजेनरेट होने लगते हैं। हमारे अंदर जो भी विटामिन की कमी होती है वो विटामिन की कमी हमारी धीरे धीरे पूरी होने लगती है। तो इस प्राणायाम को आप जरूर करें। ये मध्यम गति है, आप इस गति से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहता है। बाकी इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी सावधानी है। अगर किसी को हैवी भी रहता है तो धीरे धीरे करना चाहिए, और किसी को लोबी भी रहता तो फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मध्यम गति बेस्ट है। इस प्रकार आप इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें सुबह खाली पेट 5 मिनट से लेकर 10 मिनट। फिर अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर फेंकते हैं लाइक दिस। जैसे आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो पेट आपका ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाता है झटके से। 1 सेकंड बड़े स्टॉप, 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन इसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग गलत करते हैं ऐसे, या डिफरेंट टाइप्स की बॉडी की मूवमेंट रहती है। केवल आपका बेली अंदर जाना चाहिए सांस को बाहर छोड़ते समय। इस प्रकार तो कपालभाति प्राणायाम को आप लगभग 15 मिनट से लेके 20 मिनट करें, और समय हो तो आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट करना है। क्योंकि जब कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो जाती है या फिर एक्यूट डिजीज क्यों ना हो, हम प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर 10-15 मिनट 20 मिनट तक करना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज में इसको आधा एक घंटा भी किया जा सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना है। तो कपालभाति आपने डेली करना है। पहले आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करें, कोई प्राणायाम करते हैं पहले इसको 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट करें, 5 मिनट, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं डे बाई डे। तो ये होगा हमारा कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके पश्चात होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी रामबाण की तरह काम करता है। कपालभाति का आपको लाभ भी बता देते हैं। कपालभाति लगभग 99% बीमारियों में लाभ करता है। जो पीलिया के रोगी हैं तो उनका क्या होता है, लीवर में कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, तो लीवर को ठीक करने के लिए, जिससे कि हमारा लीवर अच्छे से कार्य करे, अच्छे से उसमें हार्मोन्स एंजाइम्स क्रिएट हों, तो ये कपालभाति से लीवर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
हमारे लीवर में एक बिलीरुबिन नामक पदार्थ होता है, एक हार्मोन होता है, तो वो बैलेंस होता है, जो बिलीरुबिन नामक पदार्थ है उसको बैलेंस करने के लिए कपालभाति अच्छा है। तो इस प्राणायाम को आप जरूर करें, कपालभाति से आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन, आपका पेनक्रियास, ये सब हेल्दी रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो लगभग 99% बीमारियों को हम कपालभाति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मोटापा, गैस, कार्ब, एफिनिटी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, दिस ऑल दिस वी कैन क्योर बाय द कपालभाति प्राणायाम। तो आप इस प्राणायाम को भी जरूर करें, कपालभाति। और अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या करना है, देखिए इसमें मुद्राओं के साथ भी कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर होल्ड करके एक हाथ हमारा घुटने पे, दूसरा ऊपर, तो थ्री फिंगर का हम यूज करेंगे, थंब एंड बोथ मिडिल फिंगर। तो पहले क्या करना है, राइट नोज को प्रेस करना है, दायनाशिका को बाएं से सांस को भरना है, राइट को दबा के अपने लेफ्ट से सांस को भरा, फिर दोनों उंगलियों बीच की दो उंगलियों से बोथ मिडिल फिंगर से लेफ्ट को दबाना है, लेफ्ट नोज को, और राइट से सांस को छोड़ना है। अब हमने जैसे राइट से छोड़ा है तो यहाँ ये ध्यान रखना है, जिससे हम छोड़ते हैं उसे दोबारा भरते हैं, तो राइट से दोबारा भरेंगे, फिर राइट को दबा के लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, तो आपको जब मैं राइट से दबा रहा हूँ तो आपको लेफ्ट दिख रहा है, तो इसलिए आप ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। पहले हमने राइट को दबाना है, राइट नोज को, लेफ्ट से सांस को भरना है, फिर लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसमें जब आप सांस को भरते हैं तो अपने फेफड़ों को फुलाना है, तो इस प्रकार आप प्राणायाम का अभ्यास करें अनुलोम विलोम का। तो आज मैंने आपको वस्त्रता, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीन प्राणायाम बताए, और भी प्राणायाम लाभ करते हैं, लेकिन ये विशेष हैं, योग की एक कुंजी है जो कि लगभग 99% बीमारियों को ठीक कर देते हैं ये तीनों ही प्राणायाम। तो अभी हम ये प्राणायाम सीखे, अब हम इसके बाद सीखेंगे आसन। आसन में आपने क्या करना है, वज्रासन बैठना है। वज्रासन कैसे बैठते हैं, आप ऐसे पोजिशन में दोनों पंजों को मिला दें, पंजे लिटा के रखना है, खड़ा करके नहीं रखना है, लिटा के रखना है, और आप इस प्रकार बैठना है। जब बैठेंगे तो एड़ियां बाहर हो जाएंगी, कीलें हमारी आउटसाइड हो जाएंगी, ऐसे। वज्रासन बैठने के बाद अब हम करेंगे मंडूकासन। अभी मैं आपको एक एक आसन को एक दो बार करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप सीख जाए। तो मंडूकासन में क्या करना है, अंगूठी को अंदर की बंद करके ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे, और दोनों हाथ मुट्ठी ऐसे आपको टच करनी, आप नाड़ी के ऊपर रखनी है, नाड़ी के ठीक ऊपर। अब क्या करेंगे, सांस को भरना है, बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ के हम आगे को झुकेंगे। अगर आप इतना झुक पाते हैं, मोटापे का कारण इतना झुके, और अधिक झुक पाते हैं तो अपनी छाती को अपने घुटनों से टच करके सामने दिखें, चेस्ट को नी से टच करते हुए सामने की ओर देखना है, और सांस को बारी रोक के रखना है। और अगर आप ज़्यादा देर रोकते हैं इसमें, वैसे तो इसको 10-20 सेकंड 30 सेकंड रोकना चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें अधिक रोकेंगे, आधा मिनट 1-2 मिनट तक, तो और अच्छा रहता है, आप थोड़ी देर रोक के रखें। अगर आपको ज़्यादा देर रोकना है तो अपनी सांसों को सामान्य कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। कम है, फिर से सांस को भरना है, बाहर छोड़ना है, अपनी मुट्ठियों को नाभि के ऊपर रख के आगे की ओर झुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं और सांस को बाहर भी रोक के कर सकते हैं। फेस को सामने को रखते हैं, कुछ लोग ऐसे आगे बता लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, फेस को सामने को रखना है। तो ये हुआ मंडूकासन का अभ्यास। इसके कई वेरिएशन होते हैं, सेकंड वेरिएशन इस प्रकार करते हैं, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड सांस को भर के बाहर छोड़ के आगे को झुके, फिर वापस। तो ये हुआ मंडूकासन।
ये मंडूकासन करने से भी पीलिया रोग में विशिष्ट लाभ मिलता है। अब हम करेंगे इसके बाद शशांकासन। शशांकासन में आपको क्या करना है, ऐसे बैठे रहेंगे वज्रासन में, सांस को मतलब पीछे छोड़ते हुए आगे, और अपनी इसमें क्या करना है, फॉरहेड को जमीन को टच करना, थोड़ी देर रोक के रखना है एकदम मिनट, फिर वापस। तो मंडूकासन जो मैंने इससे पहले कराया आपको, उसको भी आपको 2-3 मिनट करना है, 5 मिनट भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और ये शशांकासन को भी 2-3 मिनट करें, तो दोनों ही आसन अच्छे हैं। तीसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन में आपने क्या करना है, इस प्रकार दंडासन बैठना है और राइट लेग को होल्ड करके ऐसे बैठ जाए, फिर अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं और ऐसे घुमाते हुए अपने लेफ्ट लेग के घुटने को पकड़ना है और पीछे की ओर देखेंगे, जो हम पीछे रखा है उधर देखें, ऐसे सांस को बाहर रोक के रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं वापस। फिर इसी प्रकार आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और राइट हैंड को उठा के ऐसे घुमा के राइट लेग के घुटने को पकड़ना है, नहीं पकड़ पाता है तो हैंड को यहाँ रख सकते हैं और नी को पकड़ने के बाद पीछे की ओर देखें वापस। तो इस प्रकार इस आसन को वक्र आसन को दोनों साइड 3-3 बार 5-5 बार करें, इससे विशिष्ट लाभ होगा। तो आज मैंने आपको 3 प्राणायाम बताए, 3 आसन बताए, ये काफी लाभकारी हैं, और भी आसन होते हैं और भी प्राणायाम होते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा इतना जरूरी नहीं है, अगर आप इतना भी करेंगे तो भी पीलिया रोग में काफी लाभ मिलेगा। अब आपको हम बताएंगे आयुर्वेदिक उपचार, किन किन आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा हम पीलिया रोग को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की औषधियां होती हैं, लेकिन मैं आपको आज रामबाण औषधियां बता रहा हूँ, जो कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण सिंह जी महाराज जी ने जो बताई हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है दरक, सॉरी लीवर मतलब क्वाथ, लीवर का एक क्वाथ आता है जो कि आपके पीलिया रोग में काफी लाभ करता है, तो आप उस काढ़े को लीजिए, एक सर्कल क्वाथ आता है, दोनों ही काढ़े बहुत अच्छे हैं। तो 5 ग्राम काढ़ा लेके आप 4 स्वयं पानी पकाएं और पकने के बाद जब स्वयं बचे तो छान के पी लें, तो ये दोनों ही काढ़े विशेष लाभ करते हैं। सुबह खाली पेट पीना है, शाम को भी खाली पेट पीना है। इन आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा आप अपने पीलिया रोग को ठीक कर सकते हैं। और एक पुनर्वा मंडूर वो आती है जड़ी बूटी, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं। और साथ ही एक लीवरा मृत बटी आती है, गोली का भी सेवन कर सकते हैं, लीवरा मृत सिरप भी आती है वो भी ले सकते हैं, तो ये पीलिया रोग के लिए काफ़ी अच्छी है। साथ ही आप मूली का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, टमाटर का जूस पिए, चुकंदर का जूस पिए और अनार का जूस पिए, गन्ने का रस पिए, तो आप इस प्रकार इन जूस को भी पिएंगे तो इससे भी पीलिया रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, बादाम, मक्का, अंजीर, अखरोट रात को भी उदय और सुबह खाएं। तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए आप, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, उनका जूस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, उनका जूस लीजिए, आप हेल्दी फूड लीजिए तो आप धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएंगे। और गाय का दूध भी लीजिए, आपको एनर्जी फुल चीज भी लेनी है, क्योंकि पीलिया रोग में हमें वीकनेस भी होने लगती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, कमजोरी बहुत आ जाती है। तो आप पीलिया रोग को ठीक करने के लिए मैंने आपको काढ़ा बताया और आहार भी बताया, आप इनको अपनाएंगे तो निश्चित बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं इस रोग से संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।